हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल चैनल। ये वीडियो में मैं लाया हूँ अपने साइकिल को, नॉर्मल साइकिल को मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट कर लिया। और ये देखें कि मैं मोटर को, बैटरी को और सारे को मैं अच्छे से कनेक्ट कर दिया हूँ और ये बिल्कुल ही रेडी है। मैं आपको इसमें टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि ये जो साइकिल है इस साइड में यहाँ पर ब्रेक और थियोटर इंडिकेटर इस तरह से ये बॉक्स है, उस साइड में मोटर लगा हुआ है, जो टोटल कंप्लीट है। तो मैं बारीकी से एक एक चीज दिखाऊंगा और एक एक कनेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, इसे डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या, ये जो साइड में देख रहे हैं ये इसका ब्रेक है। ये ब्रेक की कुछ खासियत यह है कि ये ब्रेक के साथ साथ ये मोटर को ऑफ भी कर देता है। जैसे ही ब्रेक मैं जब लूंगा तो ये मोटर को भी ऑफ कर देता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और ये स्विच ही ऑफ हो जाता है। जैसे ही इसे मैं इस तरह से ब्रेक लूंगा तो ये स्विच जो है वो वर्क करता है और कंट्रोलर में ये डायरेक्ट कनेक्ट है कंट्रोलर से। और जैसे ही कंट्रोलर में ये कनेक्शन किया गया है, कंट्रोलर क्या करता है कि मोटर के कनेक्शन को ऑफ कर देता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। जैसे कि ये लेफ्ट साइड का हो गया और ये लेफ्ट साइड में ये जैसे कि ये थ्रोटल जहां पर एक्सीलेटर मैं लेता हूं, उसी तरह से ये भी साइड में दिया गया है। ये एक्सीलेटर का वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ पकड़ने के लिए दिया गया है। तो इसके लिए राइट साइड का, तो ये राइट साइड का जो ब्रेक है इसे भी जब लूंगा तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक वायर का कनेक्शन दिया गया है। ये क्या करता है कि जब जैसे ही मैं यहाँ पर भी ब्रेक को लूंगा तो मोटर जो है वो ऑफ हो जाता है। और साथ में यहाँ पर ये कनेक्शन दे दिया गया है जो डायरेक्ट ब्रेक के लिए है, आगे के ब्रेक के। तो राइट साइड का जो ब्रेक है वो आगे के लिए है, लेफ्ट साइड का जो है वो पीछे के लिए है। ये एक्सीलेटर जब मैं इसे लेता हूँ तो फिर ये बिल्कुल ही जैसे जैसे मैं एक्सीलेटर लूंगा उस तरह से मोटर की स्पीड जो है वो बढ़ता जाता है। और अब देखें कि ये जो इंडिकेटर है यहाँ पर घंटी भी है, तो मैं घंटी को भी लगा रखा हूँ। जब मेरे को इसमें इसका लाइन ऑफ कर देना है या फिर बैटरी का अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि मैं पैंडल मार के भी ये साइकिल को चला लेता हूँ, तो उसमें मेरे को ये घंटी ही जो है वो काम आता है। तो इस तरह से ये घंटी का मैं यूज कर लूंगा। और अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है एक इंडिकेटर दिया गया है, ये इंडिकेटर भी साथ में है और इसमें एक हेडलाइट भी है और साथ में एक स्विचिंग जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्विच यहाँ पर नहीं दिया था तो मैं यहाँ पर एक छोटे से जुगाड़ कर दिया हूँ। ये देखें, ये छोटे से जुगाड़ जो टिप टॉप का स्विच है और इसमें एक छोटे से बासर को मैं लगा करके इसे चिपका दिया हूँ। जब मैं इसे लेता हूँ तो फिर ये हॉर्न जो है वो इसका वर्क करता है। तो इस तरह से ये हॉर्न का भी मैं यहीं पर दिया हूँ कि जब मैं एक्सीलेटर इस तरह से लूंगा तो फिर मैं इस तरह से इसे प्रेस करूंगा और ये वर्क करता है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन भी मैं कर लिया हूँ। और अब देखें कि यहाँ पर कुछ कनेक्शन के बारे में, तो जैसे कि यहाँ से दो वायर निकला हुआ है इंडिकेटर के लिए, वो कनेक्शन में किया हूँ। और साथ में ये इंडिकेटर में यहाँ पर देखेंगे क्या कि इस तरह से यहाँ पांच LED देख रहे हैं, अगर ये पांचों LED ग्लो करता है एक साथ तो ये बैटरी जो है वो करीब 100% फुल चार्ज होता है। और जैसे कि ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ एक LED ग्लो करता है तो ये 20% है, दूसरा LED ग्लो करता है तो 40%, तीसरा अगर ग्लो करता है तो ये 60% और चौथा जब अगर ग्लो करता है तो ये 80% और पांच में ग्लो कर रहा है तो 100%। इस तरह से मानते हैं कि ये 20%, 40%, 60%, 80%, 100% की इंडिकेट करता है। तो इस तरह से इसे ये इंडिकेट होता है। और साथ में यहाँ पर हॉर्न देख रहे हैं, ये जो इसके इन साइड में एक हॉर्न दिया गया है और इस साइड से देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर एक लाइटिंग है। ये यहाँ पर जैसे ही स्विच को मैं दूंगा तो ये लाइट होता है। तो इस तरह से ये इंडिकेटर, स्विचिंग, ये इंडिकेटर के लिए, लाइट के लिए, हॉर्न के लिए, तीनों है। और इसकी लाइट की अगर बात करें तो रात्रि में जब सफर करते हैं इस साइकिल से तो इसका लाइट जो है वो उतना ही है जितना में आपका काम चल जाता है और लाइट भी बिल्कुल ही सही लाइट इसका भी है। जैसे मैं यहाँ पर वायरिंग किया हूँ, ये देखें बिल्कुल इस तरह से ब्लैक टेप का मैं यूज किया और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये देखें कि करीब चार वायर है, दो वायर जो है वो ब्रेक का है, एक ये इंडिकेटर का और एक थ्रोटल का आ जाता है। तो इस तरह से चार वायर ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा लूज में रखा हूँ क्योंकि जब मैं इस तरह से इसे मूव करता हूँ तो फिर ये वायर जो है वो थोड़ा सा लूज में रहेगा जिससे ये वायर जो है वो नहीं टूट सकता है। और अब देखें कि मैं यहाँ पर इस तरह से टेप कर दिया हूँ और इस तरह से ये वायरिंग इस तरह से करते हुए यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि ये एक वायर का कनेक्शन जो मैं यहाँ से किया, ये हेडलाइट का वायर था जहाँ पर ये वायर थोड़ा सा छोटा पड़ गया तो मैं यहाँ से वायर को ज्वाइंट करके इस तरह से ये स्लिप लगा करके इसे सेव कर दिया हूँ और ये वायर डायरेक्ट
ये कंट्रोलर में इन हो जाता है। तो इस तरह से ये भी कनेक्शन में कर दिया। और अब देखें कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये चाबी है, जहाँ से ही मैं इसे ऑन करूँगा ये ऑन हो जाता है और ये कनेक्शन है। इस साइड में आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर जितने भी वायर जो है ये वायर इस तरह से इसमें इन हो जाता है, और यहाँ पर मोटर का भी वायर है, ये मोटर का भी वायर इसमें इन कर लेना है। और यहाँ पर मैं एक चार्जिंग के लिए दे दिया हूँ, जहाँ से मैं चार्जिंग को इन करता हूँ तो ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाता है। और अब देखें मोटर की कनेक्शन, और ये देखें मोटर का जो कनेक्शन है इस तरह से इसमें इन हो चुका है यहीं पर, और ये कनेक्शन इस तरह से लाया हूँ यहाँ पर टेपिंग करके, इस तरह से मैं टेप कर दिया हूँ। और ये मोटर को भी मैं अच्छे से फिट किया, जैसे कि यहाँ पर माउंटिंग प्लेट इसके साथ मिल जाता है मोटर के साथ, तो मोटर को माउंटिंग प्लेट में सेट करके उसके बाद फिर इसमें सेट कर दिया जाता है। तो दो नट का यहाँ पर यूज है और दो नट का नीचे में यूज है, और साथ में इसमें भी ये अच्छे से टाइट हो जाता है। ये जो मोटर की अगर बात करें तो ये मोटर जो है 250 वाट का है, और इसका करंट जो है 13.4 एम्पियर, रिड्यूस करंट 9.8 है, और इसकी अगर वोल्टेज रेटिंग देखें तो 24 वोल्ट हो जाता है। ये देखें 24 वोल्ट, अगर फेस स्पीड दें तो 3000 आरपीएम में आ जाता है। तो ये मोटर का कैपेसिटी है जो 250 वाट, और ये 24 वोल्ट डीसी पर वर्क करता है। तो ये इसका कैपेसिटी हुआ। और इसको फ्री व्हील है, एक फ्री व्हील मेरे को ये किट के साथ मिल चुका था, तो मैंने ये फ्री व्हील को लगाया। ये फ्री व्हील का भी माउंटिंग दिया गया, उसे भी मैं माउंट करके इसमें सेट किया हूँ। और एक फ्री व्हील जो मेरे साइकिल में पहले से था उसे भी मैंने यूज किया, वो सिर्फ पैंडल के लिए यूज होता है। और एक जो फ्री व्हील इसमें साथ दिया और एक छोटी सी चैन दिया, वो यूज ये सिर्फ मोटर के लिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मोटर का माउंटिंग प्लेट है, इन दोनों को मैं यहाँ पर टाइट किया हूँ, बिल्कुल ये सॉलिड अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, ये थोड़ा सा भी लूज ना रखें। और एक बात ध्यान में दें, ये चैन को हल्का सा लूज रख करके उसके बाद टाइट कर लें, ताकि अगर मैं बहुत ही अच्छे से टाइट कर देता हूँ इस चैन को तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा परेशानी होगी और उसमें आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे लूज किया ये चैन को, उसके बाद मैं इसे टाइट किया। और इस तरह से जैसे यहाँ पर टाइट किया हूँ उसी तरह से ये देखें कि नीचे में भी यहाँ पर मैं अच्छे से टाइट कर लिया, और ये मोटर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है, और ये बिल्कुल अच्छे से रोटेट भी हो रहा है। तो दो फ्री व्हील के साथ मैं सेव किया हूँ, और सारा डिटेल जो देख रहे हैं कि किस तरह से मैं कनेक्शन भी किया ये बिल्कुल यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये चैन के लिए जो दिया गया था जिसे ये चैन को ढक दिया जाता है, ये कवरिंग किया हुआ था, वो कवरिंग जो था वो करीब यहाँ तक था, तो ये देख सकते हैं कि इतने को मेरे को काटना पड़ा, तो मैं इसे काट करके हटा दिया और यहीं पर सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी जगह था जहाँ पर मैं इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया हूँ, जो अच्छे से सेट भी हो चुका है और ये बिल्कुल सेफ है। जहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोटर का चैन भी इसमें कोई टचिंग नहीं है, इसे भी मैं अच्छे से कटिंग करके बिल्कुल नाप करके कटिंग किया, ताकि इसमें टच ना हो और ये भी बिल्कुल फ्री रहे और ये भी बिल्कुल फ्री रहे। चाबी दिया हुआ है, यहाँ पर से मैं इसे इस तरह से ऑन कर लेता हूँ, और अब देखें कि ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे इसमें रेड LED ग्लो कर रहा है, तो ये ऑन है। और ये देखें बटन को जब मैं ऑन किया तो इस तरह से इसकी लाइट देख सकते हैं, ये फोकस एक टॉर्च की भांति ये फॉक्स देता है, जैसे कोई भी बाइक में हेडलाइट जो होता है उस तरह से ये फॉक्स देता है, और ये बिल्कुल सेफ है। और
को इंडिकेट की तरह एक पीछे लगाने के लिए मिला था, तो यहाँ मैं पहले वाला लगा करके रखा था, जो पीछे से किसी का अगर टच होता था तो ये टूट करके हट चुका है, तो मैं यहाँ नहीं लगा करके यहाँ पर देखें कि मैं इस साइड में यहाँ पर लगा दिया हूँ। जब इस पर लाइट पड़ता है तो ये लगेगा कि ग्लो कर रहा है, तो मैं यहीं पर इसे टाइट कर दिया हूँ। बिल्कुल ये भी सेफ है, इसे हल्के से और भी मैं टाइट कर लूंगा, ये भी लूज है और ये बिल्कुल सेफ हो। से इसका टोटल वायरिंग कैसे किया और मैं क्या क्या इसमें सेट किया हूँ, बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ एक बॉक्स है, इसी में मैं बैटरी को सेट किया हूँ और कंट्रोलर को। इसमें मैं SMF बैटरी का यूज किया हूँ, जो Amaron कंपनी का बैटरी है और ये 12 वोल्ट 7Ah का बैटरी है। इसके इनसाइड में जो मैंने 4 बैटरी का यूज किया हूँ, दो दो बैटरी को मैं सीरीज करके फिर दो बैटरी मैं 12 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर दोनों को पैरेलल करके उसके बाद फिर मैंने उसे 24 वोल्ट बनाया और एम्पियर को बढ़ा लिया। जैसे कि वो 7 एम्पियर था तो उसे मैंने 14 एम्पियर कर लिया, क्योंकि ये 250 वाट मोटर के लिए मेरे को चाहिए था 24 वोल्ट 12 एम्पियर, तो मैंने यहाँ पर 24 वोल्ट 14 एम्पियर कर लिया, जो बिल्कुल ही सेफ है। तो और ये देखें कि इसके साथ जो एडोप्टर मिला हुआ है, ये चार्जर जो SMF बैटरी के लिए है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि JC पावर का ये चार्जर है और ये करीब AC 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट और ये आउटपुट जो है वो 29.4 वोल्ट मिल जाता है, 1.6 एम्पियर। तो इस तरह से मैं अब इसमें चार्जिंग भी आपको लगा करके दिखाने वाला हूँ। तो ये एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ मैं इस तरह से एक्सटेंशन बोर्ड में ये प्लग को इन कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले प्लग को इसे इन कर लिया और इसे मैं अभी स्विच नहीं दूंगा। और इस साइड में जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक इंडिकेटर है, तो ये देखें कि इसके साथ ये जो कॉर्ड देख रहे हैं, इस कॉर्ड को मैं और ये देखें ये जो कॉर्ड है इसे मैं यहाँ पर इन कर लूंगा। और जैसे ही मैं इसमें इन करूंगा तो इसमें चार्जर में जो लाइट है वो ग्लो कर देगा। तो जैसे देखें कि इस तरह से ले करके हल्के से प्रेस करके इसे इन करना है, तो मैं इस तरह से रोटेट करके इन कर दिया हूँ। और अब देखें कि यहाँ पर चार्जर में LED जो है ये ग्लो कर रहा है। ये LED इसलिए ग्लो करता है कि इसमें लाइन जो है वो इन हो चुका है। और जब मैं यहाँ पर स्विच को ऑन कर लेता हूँ और स्विच ऑन करने के बाद ये देखें कि ये रेड हो चुका है, तो ये अभी चार्जिंग पर है। और जैसे ही जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये फुल चार्ज होने पर ये ग्रीन हो जाएगा। देखिए कि एक बात ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पर चार्जिंग के लिए जो मैं जैक को लगाया था, तो ये जैक को यहाँ पर दो दिया हुआ है टर्मिनल, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक रेड और एक ब्लैक के लिए, जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का ही कनेक्शन रहता है। तो कभी भी इन दोनों को आपस में शॉर्ट ना करें, इस तरह से कैप लगा दूंगा ताकि ये ढका हुआ रहे। अगर मैं इसमें शॉर्ट कर देता हूं तो फिर इसका कंट्रोलर जो है वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहां पर जरा सा सेफ रखूंगा, इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना करें नहीं तो। चलता है और ये 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए है और ये बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।